वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में और यहाँ पे हेल्थ एशिया है, 19th हेल्थ एशिया। तो चलें देखते हैं कि कौन कौन सी बायोमेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं, कौन सी डिवाइसेस हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के यहाँ पे बूथ लगे हुए हैं और हम यहाँ पे लोगों का इंटरव्यू भी करेंगे, देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हर तरीके की डिवाइसेस आपको मिलेगी, क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे और इसके अलावा एक्सरेज वगैरह जो होती हैं, जो कि आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, उसकी भी चीज़ें यहाँ पर होंगी। सो लेट्स गो। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ मौजूद थी और हर एक का इंटरव्यू करना तो पॉसिबल नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं प्लैटिनम कॉर्पोरेशन से, जो कि माइंडरे का प्रोडक्ट्स इनके पास होता है। आए हम इनसे बात करते हैं, पता करते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। मशीन है, ठीक है, और ये भी हमारा लेटेस्ट मॉडल है, DC-40, ठीक है, ये भी हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन है बट लेटेस्ट मॉडल है। ओके, तो मैम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्लैटिनम कॉर्पोरेशन बेसिकली किन इक्विपमेंट्स को, किन डिवाइसेस को डील कर रही है, किस साइड? वाइडर रेंज पे, मतलब मॉनिटर हो गया, वाइटल साइन हो गया, एनेस्थीसिया मशीन हो गई, ठीक है, ठीक है, और वेंटिलेटर हो गए, बहुत डिफरेंट, मतलब ना ठीक है, आप मुझे अगर वो दे दें तो। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये बता दें, क्योंकि वो भी एनेस्थीसिया मशीन है पर ये उसका जो है ना लेटेस्ट मॉडल, ये हमारी एनेस्थीसिया मशीन है, ठीक है, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है ना हमारा ये है एनेस्थीसिया मशीन का, ठीक है, माइंडवे कंपनी का A8A9, इसको हम एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन बोलते हैं। आए चलते हैं हॉस्पिटल सॉल्यूशन की तरफ, जिन्होंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन किए और कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दिया हॉस्पिटल का। तो आए इनसे बात करते हैं, पता करते हैं कि किस तरीके की एप्लीकेशन है, किस तरह ऑपरेट होगी और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। हम लोग बेसिकली हेल्थ सॉल्यूशन एप्लीकेशन से बिलोंग करते हैं। हमारी एप्लीकेशन है हेल्थ सॉल्यूशन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ए फॉर एम्बुलेंस, बी फॉर ब्लड, सी फॉर केमिस्ट, डी फॉर डायग्नोस्टिक, ई फॉर इक्विपमेंट, एफ फॉर फिटनेस, जी फॉर जनरल फिजिशियन, एच फॉर होम केयर और आई फॉर इंश्योरेंस। एम्बुलेंस के अंदर जैसे ही आप एम्बुलेंस का सेक्शन क्लिक करेंगे, वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बुलेंस हैं। आप विद इन कराची भी ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं, आउट ऑफ कराची के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आउट ऑफ पाकिस्तान भी आप, हम जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं एयर एम्बुलेंस की। रिसेंटली आपने देखा होगा उमर शरीफ को जो है उनकी डेड बॉडी बाहर से लेकर आई थी, तो वो सर्विस भी हमने ही प्रोवाइड की थी एयर एम्बुलेंस की। इसी तरह हमारे पास जो है ब्लड की फैसिलिटी भी जो है वो अवेलेबल है। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को जब ब्लड चाहिए होता है तो ब्लड बैंक जाते हैं, डोनर देते हैं, वहाँ पे 3500 रुपीज़ देते हैं, उसके बदले में उनको जो है वो ब्लड दिया जाता है। लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया है कि ब्लड विदाउट डोनर रख दिया है, मतलब सिर्फ हम आपसे चार्जेस लेते हैं 3500। हमारा फिर बॉटमिस्ट आपके पास जाता है, ब्लड का सैंपल लेता है आप लोगों से, क्रॉस मैच करवा के ब्लड आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह अगर आप चाहें ब्लड डोनेट करना तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके इसमें ब्लड की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं डोनेट करने की। हमारा फिर बॉटमिस्ट इसी तरह आपके घर पर आएगा, वहीं से ब्लड सैंपल ड्रॉ करेगा और इसमें आपको एक फैसिलिटी हम क्या दे रहे हैं कि आपकी 5 टेस्ट स्क्रीनिंग फ्री में करके दे रहे हैं। मतलब आप जैसे ही आपका जो है वो ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके 5000 टेस्ट जो हैं ब्लड के थ्रू वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली डोनेट कर रहे हैं ना, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि डोनेट कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है केमिस्ट, ठीक है, आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए विद इन कराची, आउट ऑफ कराची, कहीं पे भी कोई भी मेडिसिन हम आपको प्रोवाइड करते हैं। डिलीवरी चार्जेस सिर्फ 300 रुपीज़ हैं विद इन कराची और आउट ऑफ कराची भी, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो शॉर्ट हुई भी हो, हमारा काम है आपको अरेंज करके देना। सिर्फ आपने इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन डालना है और हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हम ऑर्डर कंफर्म करेंगे और विद इन नेक्स्ट डे, अगर आउट ऑफ कराची है और अगर इन कराची है तो उसी दिन हम जो है वो मेडिसिन डिलीवर, जैसे मलेरिया आ जाता है तो मलेरियल ड्रग्स सारी गायब हो जाती है पूरे कराची से, लेकिन हम आपको वो अरेंज करके देंगे। वेरी नाइस, सही है। इसी तरीके से जो है हमारे पास डायग्नोस्टिक हैं, डिफरेंट हमारे पास लेबॉरटरीज जो हैं वो कनेक्टेड हैं। आपको कोई भी ब्लड टेस्ट करवाना है तो फिलबॉटमिस्ट घर आएगा, सेम वही चार्जेज हैं जो लेबॉरटरी में जाके आप पे करते हैं।
वो हम आपके घर के पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा हो गया कि बंदा जो भी कोविड पेशेंट है वो बाहर ना निकले और घर पे घर के अंदर। इसी तरह अभी डेंगू का चल रहा है रिसेंटली, डेंगू के पेशेंट इस तरह से होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बाहर नहीं जा सकते टेस्ट करवाने के लिए। तो आप हमें ऑर्डर करें, फिलबॉटनिस्ट घर पर आएगा, जो है ब्लड ड्रॉ करेगा और आपको रिपोर्ट हम घर पर ही प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह एक्सरे, इको, ECG, अल्ट्रासाउंड, ये सब भी हम घर पर प्रोवाइड कर रहे हैं, पोर्टेबल मशीन ठीक है, एक्सरेज भी कर रहे हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी घर पे बिल्कुल घर पे लेकर आ रहे हैं हम लोग पूरे हॉस्पिटल। मतलब जनरली एक्सरे एक्सरे के लिए टेबल एक कंपैटिबल होनी चाहिए ना, ताकि मिनिमम दो से जो ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, पूरी ट्रेस साथ जाती है, पूरी एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन घर पे जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी तो है, एक्सरे लेने के लिए आपका बाउंड्री जो है वो लेट की होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। एक्सरे के अंदर, एक्सरे के अंदर जरूरी नहीं है, बस उस रूम के अंदर कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं होना चाहिए, बस हम लोग ये हमारा जो भी टेक्नीशियन जाता है वो इंश्योर कर देते हैं कि उस रूम के अंदर कोई दूसरा जो पर्सन है वो मौजूद ना हो। इसी तरह वहाँ पे एक्सरे भी हो जाता है, ईको भी हो जाता है, अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है और ECG भी हम घर पे ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसकी आपकी अपनी टीम है या आपने डिफरेंट लेबोरेटरीज से कनेक्टेड है? हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसके अंदर डिफरेंट लेबोरेटरीज, डिफरेंट हॉस्पिटल, डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे। चुपताई लेबोरेटरी है, ईसा लेबोरेटरी है, राहिला है, जैसे राहिला वाले भी हमारे पास बैठे हुए भी हैं। इस वक्त हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी का हम फ्री स्क्रीनिंग करके दे रहे हैं और उसके अलावा कोई भी लैब टेस्ट आपको करना है तो 50% ऑफ है 3 डेज जब तक ये हेल्थ इश्यू चल रही है तीनों में। इसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं, आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी पीछे स्क्रीन को देख सकते हैं हमारे, हम लोग आपके रूम्स को ही ICU कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने अभी कोविड के अंदर 5000 पेशेंट ऐसे हैं जिनको घर पे ही उनके रूम को ICU बनाया, उनका ट्रीटमेंट किया, वहाँ पे डॉक्टर भी प्रोवाइड किया, हमने नर्सिंग स्टाफ भी प्रोवाइड किया, सारी मेडिसिन प्रोवाइड की, सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड किए, उनके घर को ही हॉस्पिटल बना दिया और पेशेंट को वहीं पर ही ट्रीट करके वहीं पर ही शिफ्ट कर दिया। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट डाली, सारी फैसिलिटीज़ हमने उनके डोरस्टेप पर प्रोवाइड की। फिर इसी तरह हमारे पास फिटनेस का भी सेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, हमारे पास साइकेट्रिस्ट होते हैं इसके अंदर। अब नॉर्मली आजकल क्या है, लोगों की एक साइकी बनी हुई है कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट को दिखाने जाऊंगा हॉस्पिटल में तो लोग पागल बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। तो हमने ये फैसिलिटी भी इसके अंदर दे दी, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, घर बैठे हुए आप कमरे में बैठे आप डॉक्टर को कॉल करें, उनसे कंसल्टेंसी ले, बिल्कुल एक थेरेपी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपको वो डॉक्टर घर पर विजिट करे, आप उसको एज अ फ्रेंड बना के अपने रूम में बुला लें, आपके वो बिल्कुल सेशन करेंगे घर के भी। इसके अलावा हमारे पास जनरल फिजिशियन है, 100+ डॉक्टर हमारे पास इस वक्त ऑन बोर्ड है। ये हमारे सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप देखें साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की आती है, सबसे ज़्यादा होम विजिट भी साइकोलॉजिस्ट के होते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट। नहीं पेशेंट को कहीं नहीं जाना, पेशेंट को कहीं नहीं जाना, जनरल डिफरेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारे पास ऑन बोर्ड है। आप सिर्फ हमें रिक्वेस्ट करें, अगर आप चाहें होम विजिट करवाना तो डॉक्टर आपके घर पे आएगा, चाहे रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे डॉक्टर आपके घर पर आएगा, पेशेंट को कहीं भी नहीं जाना। इसमें जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सारी डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जा रही है, आपको या पेशेंट को कहीं भी नहीं जाना है किसी भी चीज़ से। इसी तरह फिर हमारे पास होम केयर का भी सारा सिस्टम है, आपको कोई भी स्टाफ चाहिए, आपको ड्रिप लगवानी है घर पे, आपको ड्रेसिंग करवानी है, IV कैथेटर लगवाना है आपको, आप हम आपको जो है वो स्टाफ घर पे प्रोवाइड कर देंगे। आपको नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि भाई कहाँ से जाके लें, किस हॉस्पिटल से जाके लें, नॉर्मली लोग मना करते हैं हॉस्पिटल वाले कि जी हम ये फैसिलिटी हम अपना स्टाफ जो है वो बाहर नहीं भेजते। पेशेंट और पेशेंट के घर वाले भी बड़े परेशान हो जाते हैं। नॉर्मली आजकल क्या होता है कि कोई ऐसा पेशेंट है जो मोबिलाइज है बेड पर है, उसके लिए उसकी टेकिंग केयर के लिए 24 घंटे के लिए कोई स्टाफ चाहिए, तो हम 12 घंटे के लिए 2 स्टाफ आपको प्रोवाइड कर देते हैं और ऑथेंटिक होते हैं, इनकी डिग्रीज हमारे पास जमा होती हैं। डॉक्टर्स भी जितने हमारे पास मौजूद हैं पहले हम उनका लाइसेंस चेक करते हैं, फिर अपने पास ऑन बोर्ड लेते हैं, मतलब ऐसे भी किसी भी ऑन बोर्ड बिल्कुल चोरी के अलावा, मतलब एक कोई बिल्कुल कोई मतलब लोकल डॉक्टर हमारे पास नहीं होता, हमारे पास सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, सबके लाइसेंस हमारे पास होता है, सबकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, हमें पता होता है कौन से हॉस्पिटल का डॉक्टर है, कहाँ रह रहा है, उनका एड्रेस, उनका ईमेल एड्रेस, उनका PMDC का लाइसेंस नंबर हमारे पास होता है, इनकेस अगर वो कोई मिसहैप करते हैं तो हम उनको लाइसेंस के थ्रू जो है उनका लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं। कुछ कंप्लेन टाइप वाला ऑप्शन रखा है आप लोगों ने कि लाइक जब आप फीडबैक हो कि आपको कैसा रिस्पॉन्स रहा आपके, तो वो ऑप्शन आ रहा है, आप डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो इस पर व्हाट्सएप नंबर है 24 आवर रिस्पॉन्सिव है, जो इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी 24 आवर रिस्पॉन्सिव है।
कोई भी फील्ड और आज तक ऐसा हुआ नहीं। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है नोटिफिकेशन आ रही होती है, जैसे अभी इस बार हमारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का था और डिफरेंट डिस्काउंट्स चले होते हैं बैंक्स वगैरह से, हमारा जो है वो कनेक्टेड है ऐप पेमेंट के थ्रू, तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो 25% ऑफ दे रहे हैं, 30% ऑफ दे रहे हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन इसके अंदर आती रहती है। वॉलेट्स के अंदर आप पैसे डाल के रख सकते हैं, इसके अंदर आप एप्लीकेशन यूज़ करने पर आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। अभी जैसे आप इस फर्स्ट टाइम पर अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो 100 पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन आपको दे रहा है, वो 100 पॉइंट्स के अंदर आप जो है वो रिडीम कर सकती है चीज़ें, फैसिलिटीज जो है वो रिडीम कर। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इस तरीके का काम किसी कंपनी ने किया हेल्थ सॉल्यूशन ने किया, लगा सारी चीज़ों को हमने एक ही जगह पे जमा कर दिए, सारे प्लेटफॉर्म हमने एक ही जगह पे जमा कर दिए। जैसे बेसिकली हम अभी जो जिस स्टॉल पर हैं वो है यूविल का, जो यूविल के जो इम्पोर्टर्स हैं वो है ट्राइटेक इंटरनेशनल, यूविल यूविल ठीक है। अभी यूविल की जैसी ये मैं आपको दिखाऊं फैमिली किट्स हैं, जिसके अंदर फैमिली किट्स तो ये अभी न्यू है, इसके अंदर एक आपको मरकरी बीपी मिलेगा ठीक है, मरकरी बीपी के बाद आपको एक स्टेथोस्कोप भी मिलेगा, जैसे मैं आपको ये दिखा सकता हूँ इसके ऊपर, ये हमारी ये कैटलॉग बनी हुई है इस पर, ये हमारा वो है मरकरी है और इसके साथ ये स्टेथोस्कोप ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा सक्शन, ये स्मॉल सेक्शन है छोटा जी 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 ठीक है, ये यूविल का सेक्शन है और ये भी सेक्शन है, ये चार्जेबल है, ये चार्जेबल नहीं है, फैमिली किट है ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये है एंड्रॉइड, सही है एंड्रॉइड बीपी है, डिजिटल वाला नहीं मैनुअल वाला, मैनुअल जो होता है जी 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 जी। तो आप मुझे डिजिटल दिखा देना, डिजिटल ये रहा हमारा, डिजिटल पे आ जाते हैं क्योंकि फैमिली में अब अगर कोई अपने घर पे यूज कर रहा होता है वो तो डिजिटल पे जाता है जी जी। ये हमारे सारे डिजिटल के मॉडल्स लगे हुए, ये सबसे बेस्ट में जो हुए थे वो, फिर ये अभी हमारा न्यू वर्जन आया चार्जेबल वाला ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन दे दें थोड़ी सी। ये अभी बेसिकली इसके अंदर एक लीड्स होती है, जैसे मोबाइल को जैसे हम चार्ज करते हैं ना ऐसे ही इसी को चार्ज कर देंगे, और अगर आपने एक दफ़ा चार्ज किया तो तकरीबन 2 या 3 हफ्ते आपका आराम से चल सकता है 2-3 वीक्स ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं उधर ही आ जाते हैं फिर दोबारा, ये हमारा है BGM जो आज कर तकरीबन घरों में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं है मतलब नॉर्मल है। ये इसके अंदर जो होता है वो 10 लेंसेट होती हैं और 10 स्ट्रिप्स होती हैं कंपनी के साथ, तो ये है हमारा BGM ठीक है, ब्लड ग्लूकोमीटर ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर जी जी, 10 स्ट्रिप्स 10 लेंसेट्स ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है मरकरी, सिंपल मरकरी, उसमें क्या था हमारा मरकरी फैमिली किट था उसके साथ स्टेथोस्कोपी था, ये सिंपल है ठीक है। और इसी के साथ आ जाते हैं सक्शन, ये हमारा सेविनेटर, अगर एक पेशेंट है उसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, हम सिलेंडर ले लेके घूमते रहते हैं और उसको भरवाते हैं, तो इसीलिए ये यूविल ने एक कंपनी रिड्यूस किए कि यूविल 10 लीटर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है, ये खुद ही एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन होती है उसको क्लियर करके पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर करती है, बेसिकली ऑक्सीजन अपने पास जनरेट करती है। और ये 10 लीटर से ये 5 लीटर है, सेम वर्क यही है, और इसके थोड़ा मशीन के शेप्स भी थोड़ा चेंज है। Until now, we have sold 1 million. बेसिकली ये जो होती है हमारी ओवर बेड टेबल होती है जो वार्ड्स वगैरह में डॉक्टर्स जिसके ऊपर रख के काम किया जाता है। तो ये जो है हमारा ये सैंपल है,
और ये इस पर अभी हम इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं सर कि अगर जैसे नॉर्मल कोई भी फैमिली से कोई भी बंदा आना चाह रहा है कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे ग्लूकोमीटर तो घर पे भी होता जी, जी, जी। ग्लूकोमीटर कोई भी आप परचेज करना चाह रहे हो तो क्या आप इसी टाइम पे एट अ टाइम उनको वो प्रोवाइड कर देंगे? जी, हमारी सर्विस होती है, हमारी सर्विस होती है, होम डिलीवरी भी होती है, वो चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं जितना भी होता है, तो हम ट्राईटेक। मेरा मतलब ये था कि अगर इन 3 डेज हेल्थ एशिया एक्सपो में नहीं नहीं वो आपको मिल जाएगी तो क्या उनके लिए कुछ खास वो है? खास डिस्काउंट है, हम डायरेक्ट होल सेल बता रहे हैं आपको। ऑलराइट। अच्छा चलो, ये जो है ये हमारे पास है मास्क, सी पैप बाई पैप तो आपने सुना होगा। जी जी, सी पैप और बाई पैप बिल्कुल सुना। ये इसके मास्क हैं यूविल के, क्योंकि तो जो मशीन होती है उसके साथ एक ही मास आता है। अब वो कितने दिन चलेगा? 5 वेंटिलेटर्स वगैरह के साथ बेसिकली जो आता है ना। इसकी जो ट्यूब्स है वो ट्यूब भी हमारे पास है लेकिन अभी स्टॉक में नहीं है, तो वो अभी हमारा शिपमेंट आएगी तो उसमें आ जाएगी। हाँ, रिज्यूएबल है, आप इसको सैनिटाइज करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वही ऑक्सीजन जनरेटर है जो अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले दिखाया, राइट? ये पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल है। ठीक है, पोर्टेबल है, इसके साथ बैग्स वगैरह फुल कंप्लीट किट आती है इसकी। ठीक है, और वो भी पोर्टेबल है लेकिन वो थोड़ा हैवी है, लेके नहीं घूम। ये थर्मामीटर हैं दो किस्म के, एक YT2C है और YST101 है, दो डिफरेंट उसके हैं, डिफरेंट मॉडल्स के हैं थर्मामीटर। और ये जो है बेसिकली डॉक्टर्स वगैरह के लिए पल्स ऑक्सीमीटर है, नाम होता ना पल्स ऑक्सीमीटर। हाँ, इंफ्रारेड थर्मामीटर है, बेसिकली टच करने की जरूरत है, इंफ्रारेड थर्मामीटर। और ये जो होता है ये पल्स ऑक्सीमीटर है। हाँ, क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी बता देगा। और ये LED है, ठीक है, विदाउट टच। अच्छा, सेंसर सिस्टम है। तो फिर होगा कैसे, ऑपरेट किस तरीके से होगा? बस आप इसके अंदर आप ये बैग पे सेल लगाएं। अच्छा, आप अगेन लेटते हो। सेल लगाने के बाद आपने सिर्फ उंगली रखनी है, ठीक है, और वैल्यूज ऊपर ही दे देगा, वैल्यूज खुद ही दे देगा, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर भी है, मैं बताता हूँ। ये वही BP वगैरह दिखाया, ये मैच का तो मैंने आपको दिखा दिया, मैच निकला जो, बस यही है फिलहाल, तो बाकी वेरी नाइस।